127 आप अब HBU 20 8045 के साथ सनावन लेवल क्रॉसिंग करीब अप्रोच कर रही है, तो आज मेरा मूड है इसको सनावन लेवल क्रॉसिंग से ही कैप्चर करने का। तो इधर बेंच पड़ा है, बेंच पर बैठकर फिर मैं 127 को कैप्चर करूँगा। सामने ट्रेन पिछले फाटक पे आ चुकी है, तो 8045 के साथ 127 आपकी स्पीड देखते हैं आज कितनी स्पीड से पास होती है सनावन लेवल क्रॉसिंग से। तो लेवल क्रॉसिंग से वीडियो बनाने का मकसद इससे स्वीटेस्ट ट्रैक साउंड आपको जो है ना सुनवाना है, तो जब इधर से ट्रेन पास होगी तो इन्जॉय करनी है आपने फिर स्वीटेस्ट ट्रैक साउंड जो कि ट्रेन के गुजरने पर यानी कि पैदा होगी। तो इस बेंच पर मैं अभी बैठ जाता हूँ और 127 अब देखते हैं फिर सुकून से 8045 के साथ। वैसे ट्रेन अच्छी स्पीड से आ रही है लग रहा है। मेरे अंदाज़े के मुताबिक तो ट्रेन की करंट स्पीड 60 से ऊपर है। आज ट्रैकर पे लाइव नहीं आ रही गाड़ी, तो इस वजह से स्पीड आज पता नहीं चल सकती। मेरा अंदाज़ा यही कि 60 से ऊपर है स्पीड ट्रेन की इस वक्त की। पीछे धूल मट्टी से ऐसा ही लग रहा है। वन टू सेवन आप 8076 के साथ सनावन लेवल क्रॉसिंग करीब अप्रोच कर रही है। तो अभी मैं चलता हूँ 55/5 किलोमीटर नंबर से, तो 127 आपको उसी जगह से कैप्चर करेंगे 8076 जो कि आज 127 आपके साथ आ रहा है। ये 8 नाच और 6 ट्रैक्शन मोटर्स पर फिट है। और सामने 127 आपके लिए लाइन क्लियर नहीं है अभी, यानी कि सिग्नल जो है सनावन स्टेशन के वो डेंजर हैं अभी ट्रेन के लिए। तो मैंने जो भी वीडियो बनाई है ना जिसमें सिग्नल डेंजर होता है, जो भी वीडियो बनाई है गाड़ी जब बिल्कुल करीब आती है तो सिग्नल कंफर्म बात है कि डाउन हो जाता है। तो आज देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है। वैसे ट्रेन जो है वो पिछले फाटक पे आ चुकी है, ये देखें ये सामने ट्रेन और ये डेंजर सिग्नल। देखते हैं फिर क्या बनता है कि सिग्नल डाउन होता है या नहीं होता। मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं आपको अपना अंदाज़ा बताऊँ कि जब ट्रेन बिल्कुल करीब आएगी सिग्नल कन्फर्म है कि डाउन हो जाएगा। तो ये देखें फिर हो गया ना डाउन। काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है, यानी ट्रेन जब करीब आ रही थी सिग्नल अप होता है, बिल्कुल जब करीब आती है सिग्नल डाउन हो जाता है। अभी ट्रेन भी बिल्कुल करीब आ गई है, तो मेरा मिशन है 55/5 किलोमीटर नंबर पर पहुंचना। तो पहुंचने की कोशिश तो करते हैं, फिर 127 आप उसी जगह से पासिंग देखेंगे 127 की 8076 के साथ। वैसे आज 130 राउंड जो है वो लेट आ रही है, यानी अभी कुंदिया भी नहीं पहुँची। 6 बजे का टाइम हो गया और गाड़ी अभी तक कुंदिया नहीं पहुँची, यानी कि सनामा आएगी तकरीबन रात को 12:30 बजे तक। लेट है आज, रावलपिंडी में सुबह कोई डिरेलमेंट हुई थी इसकी वजह से 130 डाउन जो है वो लेट है, लेट रावलपिंडी से चली थी। तो बस ट्रेन भी पीछे आ गई है, मैं भी अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूँ, यानी जहाँ तक मैं चाहता था कि मैं पहुंच सकूं तो पहुंच गया हूं। अब सुकून से फिर 127 आपकी पासिंग देखते हैं। सिग्नल जो है वो डाउन है।
नॉच लगा दिए ड्राइवर ने। तो लगता है कि अच्छी स्पीड से ट्रेन पास होगी। अगर यही नॉच लगे हुए हैं तो ड्राइवर नॉच कम ना किए तो अच्छी स्पीड होगी ट्रेन की। अभी जिस तरह ट्रेन जिस तरह आ रही है तो लगता है कि स्पीड 65 से भी ऊपर है। तकरीबन 60 की स्पीड थी आज 17 की, पहले से तो अच्छा है ना, पहले 40-45 की स्पीड होती है।